दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 23 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो सदैव एक सवाल लोग पूछा करते हैं, इस बार क्या करने जा रहा है दूरदर्शन। और जैसा कि नजर आ रहा है एनसीसी कैडेट्स जो समर्पित होने वाले हैं देश सेवा के लिए, तालियां बजाइए अपने लिए जोरदार तरीके से। सत्तरवां स्वतंत्रता दिवस हम सभी एक जश्न के रूप में मनाने जा रहे हैं। और जब हम एनसीसी की बात करते हैं तो डिसिप्लिन्ड फोर्स, डिसिप्लिन्ड लोग, डिस्टिंक्टली डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जब आप एक एनसीसी कैडेट को देखेंगे तो आपको लगेगा क्या मोटिवेटेड ये स्टूडेंट जा रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे तो कहेंगे कितने इफेक्टिव है। जब वो चलेगा तो सीना तान करके चलेगा, यानी वो परचम लहराएगा अपने वजूद का कि प्रभु ने इस धरा पर मुझे अवतरित किया है तो मेरा भी कुछ उद्देश्य है, प्रयोजन है और मुझे देश सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। और जब हम एनसीसी की बात करते हैं तो अंत तो गत्वा सीमाओं पर रक्षा करने के लिए आपको तैयार होना है, यही प्रयास रहता है। तो एक बार फिर तालियां बजाइए अपने लिए जोरदार तरीके से। आप देखिए, जब देश की बात करते हैं या आजादी की बात करते हैं तो एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या आवश्यकता है कि हम 15 अगस्त जब आता है तो सेलिब्रेशंस करते हैं, जश्न के रूप में मनाते हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप सभी जानते हैं ऐसे अवसर होते हैं आत्मावलोकन के, जब हमें देखना होगा कि हमें आजादी मिली, जिन लोगों ने आजादी दिलाई, जिन्होंने कुर्बानियां दी, मोर्चे पर सैनिक शहीद हुए और आजादी के पश्चात आज तक हमारी सीमाओं को और आजादी को अक्षुण बनाए रखा हमारे जांबाज जवानों ने, उनके सम्मान में एक बार तालियां जोरों से बजाइए। और आपको गुंजा देना है दूरदर्शन के इस ऑडिटोरियम को, इस स्टूडियो को, जय हिंद का नारा। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, क्या बात है। एक बार फिर तालियां बजाइए अपने लिए जोरदार तरीके से। आप तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। और सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देंगे एक उस नौजवान को जो शहीद हो गया
कारगिल वार में जयपुर का जाया जन्मा और हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं अपने आप को। उसके पिताजी आज पधारे हैं, उनकी बहन आज पधारी है और कुछ और पूर्व सैनिक और अधिकारी भी यहाँ पधारे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कैप्टन अमित भारद्वाज 17 मई 1999 को शहीद हुए। और जब हम बात करते हैं जयपुर की, जब हम बात करते हैं कि किसी अधिकारी जिसने की अपने प्राण न्योछावर किए देश की रक्षा के लिए, तो एकमात्र अधिकारी राजस्थान के वो थे। हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं श्रद्धांजलि के रूप में, सम्मान के लिए तालियां बजाइए उनके लिए जोरदार तरीके से। अभी हम जब उनके पिताजी से बात करेंगे, मैं उनसे जब चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये चार पंक्तियां या कवितांश उसके जो टोटल व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। वो सदैव एक मोटो के रूप में, एक उद्देश्य के रूप में अपने सामने रखता था और वो है, इफ आई डाई इन ए कॉम्बैट जोन, बॉक्स मी अप एंड सेंड मी होम, पिन माई मेडल्स ऑल ओवर माई चेस्ट, पिन माई मेडल्स ऑल ओवर माई चेस्ट, टेल माई मॉम आई did my best, tell my mom I did my best। तालियां जोरों से बजाइए ऐसे व्यक्तित्व के सम्मान में। तो आइए अब मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज के अतिथि कौन है। आज के मुख्य अतिथि हैं कर्नल SS प्रभु, ग्रुप कमांडर NCC जयपुर ग्रुप। तालियां सम्मान में बजाइए कर्नल साहब के। आप कर्नल अश्विनी ठाकुर, एडम ऑफिसर NCC जयपुर ग्रुप। श्री ओम प्रकाश शर्मा, आप शहीद अमित भारद्वाज के पिता हैं। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। पुष्पा जानू, आप धर्म पत्नी है शहीद कर्नल जयप्रकाश जानू, जिन्होंने 1 मार्च 2001 को अनंतनाग में अपने प्राण त्यागे देश रक्षा के लिए। तालियां जोर से बजाइए आप। और कर्नल PM मीना, उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए आप। और उनके सम्मान में तालियां बजाइए जितने भी NCC ऑफिसर्स यहां पर विराजे हुए हैं, उनके सम्मान में जोरदार तालियां आप। और जितने भी NCC के कैडेट्स हैं, आर्मी एयर विंग और नेवी के, और विभिन्न स्कूलों से आप पधारे हैं, स्कूलों के नाम मैं बताना चाहूँगा, कॉलेजेस से भी आप आए हैं, रायन इंटरनेशनल स्कूल, DAV सेंटिनरी पब्लिक स्कूल, नीरजा मोदी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, महाराणा सवाई सिंह विद्यालय, SS जैन सुबोध PG कॉलेज और LBS कॉलेज। जोरदार तालियां बजाइए एक बार आप सभी के लिए। और एक और अतिथि हैं पारस भाटी अंजाना, जो पाली से पधारे हैं। तालियां उनके सम्मान में भी जोरदार बजाइए आप। तो मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। और जो वीर सपूत जिन्होंने देश के लिए प्राण त्यागे, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए हम दो पंक्तियां उनके सम्मान में, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मात्र भूमि से ये वर, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मात्र भूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, हम दिन चार रहे ना रहे। तालियां जोर से बजाएं उन सभी के सम्मान में। और मेरा पहला सवाल आपको ये बताना है, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रगान के गायन के लिए जो समय निर्धारित है वो है 52 सेकंड्स, यानी 52 सेकंड्स। लेकिन इसका भी एक कोड बना हुआ है, तिरंगे का भी एक कोड है, अशोक चिन्ह का भी एक कोड है। और उस कोड में भारत सरकार ने एक प्रावधान किया है कि कई बार आपने देखा होगा स्कूलों में मार साहब बहन जी 15 अगस्त 26 जनवरी तैयारी करवाते हैं, गायन करते हैं, फोकस 52 सेकंड्स में रहता है, लेकिन कई बार समय अधिक लग जाता है। तो कहते हैं थोड़ा जल्दी समापन होना चाहिए राष्ट्रगान का,
तो हो सकता है 50 सेकंड्स में ही समापन हो जाए। इस समस्या के समाधान के लिए और कई लोगों का उच्चारण, नॉर्थ ईस्ट के लोग इत्यादि इत्यादि हिंदी का उसका उच्चारण, तो भारत सरकार ने यह कहा कि गायन करते समय राष्ट्रगान का फोकस 52 सेकंड्स में रहना चाहिए, लेकिन आवश्यक रूप से इस अधिकतम अवधि में समाप्त हो ही जाना चाहिए। बताएं वो अवधि क्या है? वाह क्या बात है, वो अवधि क्या है? आवश्यक रूप से अधिकतम। जी थोड़ा कुर्सी पीछे लीजिए मैम, बोलें आप। 60 सेकंड्स। आर यू श्योर? यस सर। शुभ नाम? विनीता कन्वर, एपीएस। विनीता, विनीता के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। 60 सेकंड्स इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग, आपको ये बताना इसके गायन के लिए कितना समय निर्धारित है। कई बार हम गायन करते हैं, समय बताइए। कई लोगों ने, कईयों ने तलवार की तरह, कईयों ने धीरे धीरे, कईयों ने मुस्कुराते हुए। वाह क्या बात है। थोड़ा थोड़ा सा आप मुझे जगह दीजिए, जगह दीजिए। जी बोलें आप, खड़ी होइए आप। पलकिन लामा, वह तालियां जोरों से बजाइए पलकिन के लिए आप। क्या बात है, क्या बात है, ये बात होनी चाहिए। और तालियां तो बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। अगला सवाल आपको ये बताने हैं कि ये उद्गार किन के हैं। बड़ी मशहूर ख्यातनाम शख्सियत, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द नेशन हु सफर, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. About social revolution, who said these words? It's a very simple and the easiest possible question. Yes. खड़ी हुई है आप, छोटी बच्ची। यस, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्योर? यस। शुभ नाम? सोनू शेखावत। सोनू शेखावत के लिए तालियां जोरों से बजाइए। क्या बात है, क्या जानकारी है, क्या जानकारी है। कर्नल एसएस प्रभु, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पे पधारें और आप एनसीसी का जो मूल मंतव्य है, आप कैसे लोगों को तैयार करते हैं और प्रेरणा के दो शब्द कहें। तालियां जोरों से बजाइए कर्नल एसएस प्रभु के लिए, ग्रुप कमांडर एनसीसी जयपुर ग्रुप। द एम ऑफ एनसीसी इज टू डेवलप द पर्सनालिटीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल द कैडेट्स। दैट इज वी इनकल्केट इन देम द क्वालिटीज ऑफ डिसिप्लिन, लीडरशिप, secular outlook, and we conduct this through the institutionalized training by carrying out various camps. We have a lot of social service and community development activities and a large number of centrally organized camps. These could be in the form of the adventure training, mountaineering, the special national integration camps, and with all these camps we try and develop the character of all the cadets, and we give them an exposure about the life in the armed forces and encourage them to join these forces and contribute for the development of the nation. Thank you sir, thank you Prabhu sir, thank you sir, thank you, thank you sir, thank you, थैंक यू सर, थैंक। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए, जोरदार तरीके से।
देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष से बनाया गया है। इसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत का प्रमुख आदर्श वाक्य अंकित है। आपको बताना है आदर्श वाक्य क्या है, पहले तो ये बताइए, फिर आपको ये बताना है, दो तीन पुरस्कार दे दूंगा कि आदर्श वाक्य का अर्थ क्या है। तीसरा पुरस्कार इस बात के लिए दे दूंगा अगर आपको ये बताना है कि ये कौन से उपनिषद से उद्धृत किया गया है, यानी लिया गया है। तीन पुरस्कार जी। अब इधर की बारी है। हाँ हाँ, अच्छा, यस, ये आपने याद दिलाया कि हम भी हैं, खड़ी होइए आप जी, बताएं। सत्यमेव जयते, आदर्श वाक्य, बिल्कुल सही। शुभ नाम? ईशा शर्मा जी। ईशा शर्मा, तारियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजना चाहिए। हाँ साहब, दो और। सत्यमेव जयते, इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? यस, नेवी, यस, थोड़ा सा इधर 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 बोले आप। सत्य की हमेशा जीत हो, सत्य की हमेशा विजय होती है, जीत होती है। शुभ नाम? कैडेट बरखा तमा जी, तालियां जोरों से बजाइए। चलिए, आप बता सकती हैं ये कहां से लिया गया है उपनिषद का नाम? अब थोड़ा उधर से, उपनिषद का नाम, उपनिषद का नाम, यस, आवाजें दे रहे हैं इधर से, बोलिए, आप बोलिए। मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद। आपका शुभ नाम? श्रुति प्रजापति। श्रुति, ये कहते हैं कि जो परंपराएं और जो रीति रिवाज हैं वो श्रुतियों से आगे चलते हैं, यानी श्रवण करते हैं लोग और एक दूसरे को कहते हैं। तो आपने क्या जेनेटिकली इस चीज को समझ लिया या कोई जानकारी आपने विशेष प्राप्त की? जानकारी। क्या सहज भाव है, क्या भाव है। तालियां जोरों से बजाइए इस बच्ची के लिए। अब आपकी तालियों की इसी गड़गड़ाहट पर आइए देशभक्ति में रम जाते हैं, फिर झूमते हैं। तालियां बजाइए इस गानों के लिए आप। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम, रोके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के, आहा हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए कैप्टन अमित भारद्वाज शहीद, उनके पिताजी से बात करते हैं। शर्मा साहब, इधर पधारे आप, थोड़ी तकलीफ में आपको दूंगा क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें एहसास होना चाहिए। एक पिता, इधर पधारिए साहब, इधर पधारिए, एक पिता का दर्द क्या होता है, एक माता का दर्द क्या होता है, एक बहन का दर्द क्या होता है जब वो नौजवान बेटे को खोते हैं, और उसी के साथ साथ इन सब का, पिता का, माता का, बहन का, सभी का, भाई का गर्व क्या होता है कि देश के लिए कुर्बान हुआ। कुछ बात बताइए आप, और क्या अपेक्षा करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को और विशेष रूप से युवाओं को? आप शर्मा साहब, देखिए, आज हमारी सीमाएं अगर सुरक्षित है तो इसलिए है कि हमारा सैनिक गर्मी, बरसात, सर्दी में वहाँ लगा हुआ है और अपनी जान को
कुर्बान करते हुए वो देश की रक्षा के लिए तैयार रहता है। मेरा एक ही बेटा था, उसको मैंने आर्मी में भेज दिया कि मैं जानता था कि मृत्यु एक दिन निश्चित है। कबीरदास जी ने कहा भी है, आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जंजीर। तो ये बात मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि मेरे बच्चे की अगर मृत्यु हो रही है वो क्यों सेना की वजह से हुई है, ऐसा नहीं है। परंतु इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि सेना जैसी संस्था से कोई बढ़कर संस्था नहीं हो सकती। उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, आज कहीं भी मामला हो, चाहे बरसात का मामला हो, चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो, कश्मीर की बाढ़ का हो, या बोरवेल में अगर बच्चा गिर गया है तो सेना को याद करेंगे। परंतु हमारा एक दुर्भाग्य है, सेना को और भगवान को तभी याद करते हैं जब मुसीबत में होते हैं, इसके बाद हमारे सेना को भूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जवान को, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश हमारा सर्वोपरि है। केवल हमारी सीमाएँ सुरक्षित होना ही काफ़ी नहीं है, हमारे और भी ऐसे आयाम हैं जहाँ पे हमें कुछ करना है। शिक्षा का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, वैज्ञानिक क्षेत्र है, जहाँ हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हर आप जरूरी नहीं आप सेना में जाएं, आप कहीं भी रहें, देश को सर्वोपरि मान के चलेंगे तो हमारा देश बहुत ऊंचाई पे जाएगा, विश्वगुरु कहलाएगा और सोने की चिड़िया जो पहली बनी थी हो जाएगी। एक सवाल और, आपने अभी ये कहा कि मेरा एक बेटा था और मैंने आर्मी में भेज दिया, अगर आपके एक बेटा और होता और वो छोटा होता और इस दुर्घटना के बाद, शहादत के बाद आप क्या निर्णय लेते, ये बताएं आप। मैं अब भी मानता हूँ अगर मेरा एक बेटा होता और जो है नहीं, तो मैं उसको भी सेना में भेज देता, क्योंकि सेना जैसी संस्था, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या जो सीख जो मिलती है सेना के अलावा किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल सकती। मेरा तो ये है कि हर एक व्यक्ति को सेना की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, या नहीं तो सेना के प्रति उनका एक आदर भाव होना चाहिए और सेना के जो जवान हैं उनके लिए उस करने को तैयार हमेशा रहना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर सब, थैंक यू पधारी सर। तालियां जोरों से बजाइए आपके सम्मान में। शर्मा साहब, एक बात निवेदन करना चाहूंगा, हम प्रतिनिधित्व करते हैं दूरदर्शन पर जन भावनाओं की, और आज देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, संविधान निर्मित भी है, लेकिन सबसे ज्यादा रिगार्ड आम जन के मन में सेना के प्रति है, वो किसी के प्रति नहीं, किसी के प्रति नहीं, किसी के प्रति नहीं। तो आइए आपको लिए चलते हैं एक फील्ड मार्शल के उद्गार। देश को आजादी मिली, सैनिकों को संबोधित कर रहे थे और कई बार शब्दों की अन्य विज्ञता यानी लैंग्वेज की समस्या बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जनवरी 1949 में, भारतीय सेना के नव नियुक्त कमांडर इन चीफ ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जवानों को संबोधित करते हुए कहा, पहले अंग्रेजी में, वी आर फ्री, यू आर फ्री, एवरीवन इज फ्री इन दिस कंट्री और द कंट्री इज फ्री। उन्होंने इसका हिंदी में तर्जुमा किया और तर्जुमा साथ साथ बोलूंगा। उन्होंने कहा, वी आर फ्री, यू आर फ्री, एवरीवन इज फ्री, द कंट्री इज फ्री, और सरलीकरण किया हिंदी में, कहा हम मुफ्त, तुम मुफ्त, सब मुफ्त, मुल्क मुफ्त। आपको बताना है कि वह पहले कमांडर इन चीफ भारतीय सेना के कौन से थे जिनके ये उद्गार थे। इधर से कोई, जी खड़ी होइए आप, जी फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, आपका नाम? गीतांक्षी गुप्ता जी, गीतांक्षी गुप्ता, गीतांक्षी गुप्ता, गीतांक्षी, क्या बात है, क्या बात है,
बिल्कुल सही, तालियां बजाइए गीतांशी के लिए, गीतांशी के लिए, गीतांशी के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। आज के इस समारोह के उपलक्ष्य में डीएवी सेंटिनरी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी एक समूह नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, तालियां जोरों से बजाइए आप। जानकर शायद ताज्जुब होगा कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी है जहां से दूसरे देश यानी विदेश की जो पार्लियामेंट है उसका सदस्य चुना जाता है। आपको बताना है वो जगह कौन सी है। पार्लियामेंट के लिए, विदेशी पार्लियामेंट के लिए। जी 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 जी, खड़ी होइए आप। सर पॉन्डिचेरी। पॉन्डिचेरी? आर यू श्योर? यस सर। किसने बताया आपको? आई हैव रीड। अच्छा, यू हैव रेड? यस सर। आप कितनी पढ़ाई करती हैं? सर नॉट मच। नॉट मच, व्हाई नॉट? एनसीसी में समय नहीं मिलता? सर नॉट इंटरेस्टेड। क्या प्रभु साहब और ठाकुर साहब क्या कहते हैं, बस मैदान जंग में आ जाओ, पढ़ाई मत करो? नहीं। नाम क्या बताया आपने? अनुश्री कटेवा फ्रॉम डीएवी। अनुश्री कटेवा, तालियां बजाइए जोरों से। और देखिए जब बच्चे जवाब दे रहे हैं, सर आप देखिए स्कूल का नाम चिपका हुआ नाम के साथ, ये फक्र होना चाहिए जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, जिस संस्थान से आप जुड़े हुए हैं उसको ओन कीजिए, उसकी गरिमा को और बढ़ाइए। तालियां जोरों से बजाइए आप सभी लोग। एक कालजयी गीत जब ये बना, रचा और गाया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि इस कालजयी गीत के रचनाकार कौन, गीतकार बताइए उनका नाम पहला। और फिर एक सवाल उससे जुड़ा हुआ और पूछूंगा। यस, खड़ी होइए आप, खड़ी होइए जी। प्रदीप, कवि प्रदीप। शुभ नाम आपका? श्रेष्ठा। नीरजा मोदी स्कूल। श्रेष्ठा नीरजा मोदी, वाह क्या बात है, क्या बात है श्रेष्ठा, बिल्कुल सही। अब मेरा एक सवाल, ये तो उपनाम था, ख्यात थे इस नाम से कवि प्रदीप, इनका मूल नाम बताइए और जीते पुरस्कार। वाह, एक हाथ खड़ा किया गया, क्या बात है। नेवी, ये इकबाल? नहीं इकबाल नहीं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एनीबॉडी? यस, खड़ी होइए आप। पंडित दिगंबर पलुस्कर।
नई पंडित दिगंबर पलुस्कर नई वो गांधी जी के साथ जाते थे जन आंदोलन जन सभाओं में गायन करते थे वो भी सवाल लेंगे अभी आपको बताएंगे। लेकिन और ख्यात नाम संगीताचार्य पंडित दिगंबर आपने जो बताया विष्णु दिगंबर, लेकिन ये बताइए पंडित रामचंद्र द्विवेदी और उनके सम्मान में तालियां बजाइए जोरों से आप। और देखिए सभी ने ये तय अच्छा अगर आप ये बता दें ये कौन सी फिल्म का गाना है तो एक पुरस्कार और एनीबडी जी जी हाथ खड़ा कीजिए हाथ खड़ा कीजिए। ये किसी फिल्म में नहीं लिया गया, ये तय किया गया था कि किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनेगा, ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ये तय किया। संगीत दिया श्री रामचंद्र ने, गाया लता जी ने, कवि प्रदीप का लिखा हुआ कि हम कोई रॉयल्टी हम नहीं लेंगे और जितनी भी रॉयल्टी आएगी वो सैनिकों के कल्याण कोष में जाएगी। तालियां बजाइए और उनके सम्मान में आप। और ठाकुर साहब आपको आमंत्रित करता हूं कि आप पधारिए। आप एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं आपका भी विशद अनुभव रहा है तो पहले आपका वेलकम। थैंक यू। आप कुछ संदेश जो देना चाहें। सबसे बड़ी बात है ये जो आपका अभी एनसीसी का है मेरी तो यही उम्मीद है कि आप सब एक दिन एक ही झटके में कमीशन लेके बॉयहुड से एक लीडरहुड में आ जाएंगे, वही सबसे बड़ा मेरा वो है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक। तालियां जोरों से बजाइए। राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक तिरंगा, जब हम तिरंगे की बात करते हैं तो सीना गर्व से तन जाता है और प्राण न्यौछावर कर देते हैं सभी लोग, विशेषकर सैनिक सीमाओं पर तिरंगे की आन बान और शान की रक्षा के लिए। आपको ये बताना है कि इस राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। जी खड़ी होइए आप। सर स्वर्गीय पिंगली वकैया। पिंगली वेंकैया स्वर्गीय, आपका शुभ नाम। सर निकिता खंगारोत फ्रॉम डीएवी स्कूल। निकिता खंगारोत, तालियां बजाइए जोरों से, जोरों से बजाइए। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं जानू मैम, श्रीमती जानू आप पधारिए इधर, तालियां जोरों से बजाइए आपके सम्मान में, तालियां जोरदार पधारिए। पुष्पा जानू आप धर्मपत्नी हैं शहीद कर्नल जयप्रकाश जानू की, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए दर्द दर्द होता है किसी भी प्रियजन को खोने का। एक पत्नी अपने प्रियतम को अपने पति को जब खो देती है कितनी वेदना होती है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। आपसे जब बात हुई तो आपसे अनुरोध किया कि आप पधारें और कुछ संदेश दें क्योंकि लाखों की संख्या में वार विडोज हैं हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में। सरकार कई कार्यक्रम चलाती हैं, आर्मी भी चलाती हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनका ध्यान रखती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है कि समाज के हम जो लोग हैं अपना सामाजिक सरोकार समझें और हम क्या कर सकते हैं और उनके प्रति अपना योगदान क्या होना चाहिए जो कुर्बान करते हैं हमारे लिए कि हम आनंद से और चैन की सांस ले सकें, आराम से घरों में रह सकें और उसके लिए वो सर्दी गर्मी और गोलियों की बौछारों के बीच अडिग खड़े रहते हैं। तो तालियां बजाइए पुष्पा जानू के सम्मान में एक बार आप। और मैम बताइए कुछ आप क्या संदेश देना चाहेंगी, थोड़ा सा बताएं आप। जी मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप लोग तो सब साथ देते हो परंतु जो जैसे बाकी सिविलियंस हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, सोचते हैं ये शहीद नहीं होते ये ऐसे ही मरते हैं, वो एक भावना गलत है उनकी बिल्कुल भी। तो
तो ये भावना नहीं आनी चाहिए। वहाँ आपके लिए रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे हैं, कुछ भी नहीं देखते, मतलब परिवार को भी नहीं देखते बिल्कुल भी कि उनका परिवार पीछे कैसा है, फिर भी वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो मेरा ये है कि आप लोग उनके परिवारों का साथ दें आगे जाकर, उनको कभी अकेला मत छोड़ें। उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके हस्बैंड नहीं है तो उनका दुनिया में कुछ भी नहीं है, उनके लिए हम हैं, ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरों से बजाइए मैम के लिए, जोरदार तरीके से। देखिए जब हम इस प्रकार के दिवसों को मनाते हैं तो आत्मावलोकन का अवसर होता है। देखिए इनकी जो वेदना है वो एक की नहीं अनेकों की वेदना है, अनेकों ऐसी महिलाओं की जिन्होंने अपना पति खोया है। तो आइए हम संकल्पित होते हैं कि राष्ट्र में इसके बारे में चेतना जगाएंगे और आने वाले समय में कोई भी शहीद होता है तो उसकी विडो ये गर्व से कहे, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं, मेरे पति गए कोई बात नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोग मेरा परिवार है, मेरा परिवार है और मेरा परिवार है। और इसको नारा मत रहने दीजिए, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी और समर्पण से एक बार तालियां बजाइए मैम के उद्गारों के सम्मान के लिए। आप 70वां स्वतंत्रता दिवस उसके उपलक्ष्य में जब एनसीसी डायरेक्टरेट से बात हुई तो आपने कहा सारे रंग भरे जाएंगे आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में, क्योंकि देश की बात है और जब देश की बात है तो सबसे आगे है एनसीसी, एनसीसी और एनसीसी। तालियां जोरों से बजाइए आप अपने लिए। और रायन इंटरनेशनल स्कूल की विद्यार्थी नृत्य प्रस्तुति करेंगे, उनके सम्मान में तालियां जोरों से बजाइए आप। लुक छुप ना जाओ जी, मन बीत कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले मन भंगा दी मैं कह लगे। मर इवड़े में जागी धोकनी, चंदा में भारी चांदनी, मन दामन में भारी खुशी रे। Monday.